हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लच्छा टोकरी चाट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने 3 कच्चे आलू लिए थे, जिनको कि मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इन आलू के लच्छों को अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इनका सारा पानी सुखा लिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच मैदा के ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने से ही आलू के लच्छे आपस में चिपकने लगेंगे। टोकरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की छन्नी ली है। अब हम छन्नी में आलू के लच्छों को फैलाकर हाथ से दबाते जाएंगे और एक टोकरी की प्रॉपर शेप देंगे। ये टोकरी बनाकर मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसको छन्नी के साथ डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। छन्नी को घुमाकर हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद हम लच्छे की टोकरी को चाकू की सहायता से छन्नी से निकाल लेंगे। सारी टोकरियां हम इसी तरह बनाकर फ्राई कर लेंगे। हमारी एक क्रिस्पी टोकरी बनकर रेडी है। टोकरी चाट बनाने के लिए अब हम चाट रेडी करेंगे। थोड़े से मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, थोड़ा सा मैंने दही लिया है जिसको कि मैंने अच्छे से फेंट लिया है, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़े से उबले हुए छोले, कटी हुई हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, थोड़े से अनार के दाने, पुदीना और धनिया की चटनी, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। अब हम एक बाउल लेंगे और दही को छोड़कर इसमें सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट बनाकर मैंने रेडी कर ली है। अब हम टोकरी की स्टफिंग करेंगे। चाट से मैंने इसकी स्टफिंग कर दी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दही डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी धनिया और पुदीना की चटनी डाल देंगे। इसी तरह हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। हमारी ये क्रिस्पी आलू लच्छा टोकरी चाट बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।